को पकड़ दिया मैंने साले। तो गाइस मैं जैसे मैंने बताया हमने साथ में कॉलेज कंप्लीट किया है और उसके बाद ये अपना बिजनेस में बिजी हो गया, मैं रेसलिंग में बिजी हो गया, तो हमारा कम हो गया था थोड़ा मिलना। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सो आज मैं हूँ डैलस टेक्सास और मैं यहाँ पे हूँ रेसलिंग मैच के लिए। एंड आप लोगों को पता ही है कि हमेशा ही मेरा अलग अलग जगह पे रेसलिंग मैचेस होते हैं, तो मैं वहाँ पे तो मैं ट्रैवल करता रहता हूँ। तो कल रात मैंने अपने व्हाट्सएप पे स्टोरी डाली कि जो भी यहाँ पे डैलस एरिए में है वो मेरे को मैसेज करे ताकि कोई भी दोस्त हो पुराना या कोई भी मेरे को मिल सके। मेरे को मैसेज आता है मेरे दोस्त सूरज का, और सूरज को मैं काफ़ी टाइम से नहीं मिला हूँ। एंड क्योंकि सूरज और मैंने साथ में कॉलेज कंप्लीट किया है, बट उसके बाद मार्च में इंडिया चला गया था, सॉरी जनवरी में इंडिया चला गया था। उसके बाद मैं रेसलिंग को लेके बिजी हो गया, ट्रैवलिंग में बिजी हो गया, और फिर इसने बाद में अपना शहर चेंज कर दिया। अभी मैं आपको मिलवाता हूँ, अभी वो तैयार हो रहा है। तैयार तो क्या ही हो रहा है, अभी उठा है। तो अभी हम जा रहे थे ब्रेकफास्ट के लिए, तो यस जब वो आता है मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि सूरज महाशय हमारे कहाँ से छोड़ के आया था और कहाँ पे हमें आके मिल गए। अमेजिंग सूरज, कैसा भाई? भाई बहुत बढ़िया यार भूपिंदर, और बता भाई। मैं बिल्कुल बढ़िया। कहाँ छोड़ा था और कहाँ मिल रहा है मेरे को? एंड अभी हम मिले कब थे लास्ट? भाई याद नहीं है बिल्कुल ही मेरे को। आई बिलीव हम जनवरी में मिले, जनवरी में मिले थे तेरे इंडिया जाने से पहले। हाँ। शायद फोन पे बात हुई थी, फोन पे बात हुई थी उससे पहले, 2019 या 20 में मिले थे शायद। हाँ, मिले तो काफी टाइम हो गया। हाँ। तो फिर उसके बाद मैंने जस्ट वैसे ही मैसेज डाला था कि कोई है तो मिल लेते हैं, और भाई ये हमें पूरा विंडसर कनाडा, पूरा इतना बड़ा कनाडा छोड़ के मेरे को मिला डैलस में। बट यार मजा आ गया। आज मेरा एक इंटरव्यू है, उसके बाद अगर सूरज फ्री होता है तो लेट्स सी, मैं थोड़ा घूमूंगा क्योंकि आज मेरे पास थोड़ा टाइम है। कल से मेरे रेसलिंग मैचेस शुरू हो जाएंगे, फिर मैं बिजी हो जाऊंगा, तो विल ट्राई कि हम थोड़ा टाइम निकाल के आज मिल पाए। सो अभी मैं हो चुका हूँ रेडी और मैं जा रहा हूँ एक इंटरव्यू पे, जो कि मेरा दोस्त सूरज मेरे को जा रहा है छोड़ने, और उसके बाद सूरज को अपना काम है वो कर लेगा। तब तक जब तक मैं फ्री हो जाऊँगा, शायद ये भी फ्री हो जाए, उसके बाद हमारा प्लान है कि हम डाउनटाउन में थोड़ा घूमेंगे। ये यहाँ पे ऑलरेडी 3-4 दिनों से है, तो इसको थोड़ी बहुत चीज़ें पता है कहाँ पे हमने जाना है, कौन सी जगह अच्छी है। वैसे तो देखेंगे कि चल फिर के ही घूम के मज़ा लेंगे कि इस सिटी में एग्जैक्टली है क्या। सूरज कुछ आइडिया है कहाँ जा रहे हैं इसके बाद, हम मेरे इंटरव्यू के बाद जब तू बेला हो जाएगा? इसके बाद भाई देखते हैं, शायद डाउनटाउन में ही आएंगे। डाउनटाउन में काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं, 2-3 ऑफिसेज हैं, बड़े कॉरपोरेट ऑफिसेज हैं। ओके, तो वहाँ पे लाइक वी गोना हैव क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे, और उसके बाद देखेंगे, क्योंकि अभी मैं भी इतना एक्सप्लोर नहीं हुआ हूँ इस सिटी से, क्योंकि मैं डाउनटाउन से बहुत दूर रह रहा हूँ। ओके, तो आके देखेंगे, कुछ ना कुछ तो ढूंढ लेंगे यहाँ पे। चलो मिलके ढूंढेंगे, मिलके देखते हैं, क्योंकि आई थिंक जब तक तो थोड़ा लंच टाइम भी हो जाएगा और भूख भी लग जाएगी, तो अगर देखते हैं अगर कोई अच्छी जगह मिल जाती है लंच करने के लिए तो वहाँ पे भी चलेंगे। बाकी सब डिपेंड करता है मूड पे, क्या होता है क्या नहीं। तो फॉर नाउ आई एम गोइंग फॉर इंटरव्यू, विश मी लक एंड सी यू गाइस सून। आ चुका हूँ अपने इंटरव्यू के लिए एंड सेटअप रेडी है, चलेगा 1-1.5 घंटा, तो उसके बाद मैं जाऊँगा कुछ बाहर घूमने और खाने पीने। तो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे दूसरी तरफ के जो भी सेटअप है, यहाँ पे ब्यूटीफुल स्टूडियो एंड नाइस पीपल, सो गोइंग टू बी फन एंड लेट्स सी।
I can't talk to this guy. So this is my very good friend. Oh yeah. George, how are you feeling, brother? I'm doing good. How are you? I'm doing great, man. Thank you for your time. Yeah. And what do you say about this interview? I think it was good, man. Well, let's see. Let's see what people think. Hopefully they like it. I hope people are going to like it. Yeah. We try to do our best. Yeah, of course. This guy really works hard, man. No, I'm going to show you guys, like, this guy really work hard. One of the great people I ever met, you know. What a nice down guy. To earth. What a nice guy. He's lying. It's not true. I'm not one of the nicest people. You are, bro. You are. But check it out. It's a cool studio, man. And yeah, I'm going to. Comes in early as well. He came in early, which is a bonus to help us out because he gets it. Oh. What a guy. Thank you. I try to be on time every time. Thank you, brother. हेलो एवरीवन. तो दोस्तों मैं आ चुका हूँ रेसलिंग वेन्यू पे. तो एक्चुअली कल क्या हुआ, कल मेरा रेसलिंग इंटरव्यू था तो मैंने इंटरव्यू दिया और उसके बाद हमारा प्लान था मेरा और सूरज का कि हम जाएंगे कहीं घूमने. बट अनफॉर्चुनेटली मैं इतना ज़्यादा थक गया था कि मैं जा ही नहीं पाया कहीं पे और गर्मी बहुत थी, मेरा सर दर्द होने लग गया. तो वी डिसाइडेड कि हमने कुछ पैक करवाया खाने के लिए और होटल में वापस चले गए. फिर वहाँ पे खाया पिया, थोड़ा रेस्ट किया और फिर उसके बाद सूरज को जाना था. एंड मैंने अपना थोड़ा रेस्ट किया, वर्कआउट किया और अभी यू नो आई एम रेडी, आई एम फ्रेश. सो अभी मैं आ चुका हूँ वेन्यू पे. अभी मैं जाऊँगा अपना मैच की प्रेपरेशन करने के लिए. सो इट्स गोइंग टू बी अमेजिंग. आई हैव अ मैच विद ब्रायन मायर्स. सो गाइज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड इट्स गोइंग टू बी फन. आई ट्राई टू शूट एंड शो यू गाइज. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. Look at my boy. I went too fast. Close. Thought I had it. Close. This close. See, next time I'm gonna work on my timing skills, my finesse. Maybe it'll be a little better. Yep. Let's edit it. Make it look like I won though. तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ यहाँ पे. लुक एट दिस प्लेस. ये हमारा वेन्यू है और फैक्ट्री बेबी. इस जगह का नाम है द फैक्ट्री. नाइस राइट. द होल सेटअप पिक्चर्स. सो गाइस मैच इज डन. मेरा मैच हो चुका है. बहुत बढ़िया मैच रहा. आ जाएगा बहुत ही जल्दी टीवी पे. एंड अभी जा रहा हूँ होटल और फिर वी गोना सिट देयर. आई एम गोना ईट समथिंग एंड गोना हैव सम फन. सो सी यू इन होटल. हेलो एवरीवन. सो गुड मॉर्निंग. इट्स 5:30 AM एंड अभी मैं जा रहा हूँ घर वापस. मैच मेरा हो गया है. बड़ा अच्छा रहा दो दिन. बहुत ज़्यादा इट वॉज फन. एंड हुआ ये कि मेरा लैडर मैच था उसमें इट वेंट ग्रेट. लाइक आई लव इट. इट वॉज द वन ऑफ द बेस्ट मैच आई एवर हैड इन माई लाइफ. एंड हुआ क्या कि ड्यूरिंग द मैच जो लैडर थी वो मेरे नाक पे गिर गई और उसकी वजह से मेरा नाक टूट चुका है. सो आई हैव अ ब्रोकन नोज. एंड उसके अलावा फुल मैच मैंने किया एंड देयर वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस आफ्टर अ ब्रोकन नोज. यू नो वो ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा खून आ रहा था बट फिर भी वो मैच कंप्लीट किया एंड एवरीबडी वाज सुपर हैप्पी. एंड या तो इसीलिए उसके बाद फिर मैं यू नो आया. मेरे को हॉस्पिटल जाना पड़ा. 3-4 घंटे मेरे हॉस्पिटल में लगे एंड मैं ज़्यादा शूट नहीं कर पाया क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बिजी था इस मैचेस को लेके. एंड या अभी मैं जा रहा हूँ घर वापस. अभी मैं बैठा हूँ एयरपोर्ट पे डैलस टेक्सास. अभी सीधा जाना है मिशिगन डेट्रॉइट. सो या थैंक यू सो मच. और अभी चलते हैं.